अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइशा लाइव विद किड्स। सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में हमको लगता है कितनी चीज़ें हो गई हैं और रखने के लिए जो है वो जगह ख़त्म हो चुकी है, बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज सिस्टम से चले ना तो हमें बहुत सी स्पेस मिल सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर में जगह नहीं है, बट हम फोकस करें तो बहुत सी। यहाँ पे देखिए, ट्रे में अंडे रखे थे जो कि अनसेफ है, ये कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लिया है डबल लेयर का ये एग कंटेनर जो कि नॉन ब्रेकेबल है, और ये फ्रीज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, इसको किचन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ना ये 24 का है, आप इसे किचन, रेफ्रिजरेटर या फिर डाइनिंग कहीं भी इसे जो है आप रख कर यूज़ कर सकते हो। और ये डबल लेयर का है तो ये काफ़ी यूज़फुल है और हमारे किचन के लिए परफेक्ट है। तो मैं जो है अपने किचन में ही ये रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो है कम स्पेस ले रहा है और कितने अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गया है। तो हमें इससे जो है कुछ भी ख़तरा नहीं है, हम इसे कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि अब ये सेफ़ है। तो आप इसे जो है फ्रिज में रख सकते हो, किचन में रख सकते हो, अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। तो कितने अच्छे तरीके से हमारा ये एग है जो कंटेनर के साथ ऑर्गेनाइज हो गया है। तो हमारी ये एग जो है ऑर्गेनाइज डन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सेफ है अब। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जो कुछ जगह हैं वो एकदम फुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताते हैं। तो यहाँ पे मेरा ना स्मॉल इंडियन किचन है, और यहाँ पे जो है अब मेरा गैस का चूल्हा है, और साइड में ही मेरी जो है वो बेसन है, वॉश बेसन, तो जिसमें मैं डिश वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे ना उसके बहुत से पानी के जो है वो छींटे आ जाते हैं, जिससे मुझे ऐसा डाउट होता है कि कहीं गैस जो है हमारी एकदम ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर ना एक ग्लास का जो है वो स्टैंड यहाँ पर फिक्स करवा लिया। तो ये काफ़ी जो है, तो इससे मुझे ना काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जो है वो चूल्हा, मेरा जो गैस का है, तो वो काफ़ी सेफ हो गया है, क्योंकि पानी चीज़ें ना वो जंग लगने लगती है जहाँ भी पानी पहुँचता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सेफ़ हो गया और मैं ईज़िली जो है अपने डिश वॉश कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये हुक डिज़ाइन में हैंगर हैं जो कि वॉल पर स्टक हो जाते हैं। तो ये काफ़ी फ्री स्पेस है और ये हुक डिज़ाइन में है, तो मैंने इसको ना वॉल पे टाइल्स में जो है स्टक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने जो है डेली यूजेस के किचन टूल्स यहाँ पे मैं हैंग कर सकती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये एकदम फ्री स्पेस है। मैंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ये मेरी डेली यूजेस के, और मैं इसको बिल्कुल किचन में अपने पास ही रखती हूँ ताकि मुझे जो है ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो ये हो गया हमारा थ्री ऑर्गेनाइज़र। तो अब हम चलते हैं अपने फोर स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ना काउंटर टॉप पे ये सारी चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं। ये है कैटल, और यहाँ पे ये मिक्सर है हमारा, और साथ में जो है यहाँ पे माइक्रोवेव है। तो अभी हम ये पूरे ना टॉप काउंटर पे ये पूरी चीज़ें फैली रहती हैं, तो अभी हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पर इस तरह का हमने वुडन ट्रे लिया है, तो ये वुड का ट्रे ना हम इस पर माइक्रोवेव के ऊपर रख कर फिर अपनी जो है सारे एप्लीसेस इस पर रख देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारी छोटे से स्पेस में जो है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी। और यहाँ पे एक ही स्विच बोर्ड लिया है हमने, उसमें सारे हमने प्लग ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम जो है अपनी फ्री स्पेस को कैसे यूज़ करें वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको इससे क्या है, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, हमारे एक ही स्विच बोर्ड से 3-4 चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। यहाँ पे हमारा वॉर्म जो है वो पानी भी हो रहा है, कैटल भी चल रही है, और हमारा एग कैन भी हो रहा है, और हमारा मिक्सर भी, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, किचन के ना साइड में जो काउंटर पे ये सारी चीज़ें जो है किचन की, वो भी एक तरह से रहती है। तो मुझे लगता था तो ये काफ़ी स्टोरेज जो है इससे वेस्ट हो रहा है। तो मेरे पास ना ये सारे स्पैचुलास थे, तो मैंने ना इनको एक वुडन जो है वो बॉक्स में मैंने इनको सेपरेट कर दिया है। तो ये क्या है कि अब कम स्पेस लिए, एक जगह में सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो मतलब ये सारे स्पेस जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और सारे जो स्टेनलेस स्टील आइटम रहते हैं सारे, तो वो मैंने सेपरेट कर दिया है। स्टील आइटम को मैं अलग रखती हूँ।
तो यहाँ पे ना इस तरह से मुझे लग रहा था कि मैं इसका भी कुछ जो है ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टू लेयर की ये ट्रे ली है जो कि किचन रैक्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, आप ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप जो है बेडरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से ना ये क्लोथ, बाथरूम और फ्रूट्स की एक रैक है, टू लेयर की ये ट्रे है। तो मैं ना इसे किचन के लिए यूज़ करूँगी। तो मेरे क्या है कि मेरे ये एक ट्रे लेने से ना इसमें मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी अच्छी जगह से। तो इसलिए मैंने ना ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो मेरा टॉप काउंटर है मैंने उसको अच्छे से जो है वो यूज़ में ले लिया है। तो यहाँ पे सारे स्टील स्टेनलेस स्टील के स्पून है जो है वो मैं सारे जो है वो भी मैं एक साथ किचन में ही रख दूँगी क्योंकि किचन में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मेरे एक वुडन के स्पैचुलास के हैं और यहाँ पे मेरे एक स्टील के हैं। तो कितने अच्छे से सेट हो गया और अभी भी इसमें इतनी जगह है कि मैं इसमें कुछ और भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे नीचे ना मैंने जो है इसमें आटे का डब्बा रख दिया है और साथ में मिक्सर के जो है छोटे बड़े जार भी सेट कर दिए, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है जिसमें मैं अपनी छोटी बड़ी डेली यूज़ की चीज़ें जो है वो रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन सारी जगहों को अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा किचन जो है वो मैसी है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्लांट्स भी रखे हुए थे, मैंने उसे भी जो है यहाँ पे अच्छे से कर दिया है। तो लग रहा है ना एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टम से। ये थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है और हम अपने किचन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है क्लेवर आइडियाज़ हैं, क्लेवर ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने अपने टॉप काउंटर को कैसे यूटिलाइज़ कर लिया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने इसको जो है प्रॉपर फ्यूचर तक के लिए ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो इससे जो है हमारी काफ़ी स्पेस जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है और बहुत सारी जो है वो स्टोर वेस्ट होने से वो बच जाती है। तो ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना वही ड्रॉअर, वही कैबिनेट, वही काउंटर टॉप हमें जो है काफ़ी स्पेशियस लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हमने पहले क्यों नहीं किया, हमें लगता था कि ये कितनी मतलब हमारे पास जगह ही नहीं है, हमारे पास इतना सामान हो गया है, हम सामान को ही हटा दें, हम चीज़ों को ही हटा दें। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपनी सारी चीज़ें जो बस थोड़ी सी हमें टाइम देने की ज़रूरत है, तो कितने अच्छे से इसकी सारी क्लैरिटी जो है वो दिख रही है। अपना किचन, अपना होम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जब आप थोड़े डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ करते हैं ना, तो आप अपने उसी घर में, उसी किचन में और स्पेस जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। तो हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है प्लास्टिक के स्टेनर हैं, तो उनसे मैं जो है वेजिटेबल हुआ या राइस हुआ ये सब छोटे आइटम ड्रेन करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने इस तरह के जो हैंगर लिए हैं जिसमें हुक जो है वो दो तीन डिज़ाइन की दी हुई है, तो हम इसमें और भी हुक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ड्रेनर को हैंग कर दिया अच्छे से, और जो एक दो स्पेस बची हुई यहाँ पर हम किचन टॉवल को भी हैंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सिक्स स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे स्टेनलेस स्पून हैं, सारे जो स्टील के स्पून्स हैं, तो उनको हम इस तरह के कटलरी ड्रॉअर में जो है वो रखते हैं। बट अभी हम उसको ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे ये किचन टूल्स हैं, बहुत से सारे जो स्पून हैं ना वो हम जो है यहाँ पे रख देंगे, हम अपने किचन के पास ही रखेंगे। क्योंकि हम सारे टूल्स क्यों लेते हैं, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो टाइम सेविंग के लिए हम जो है अगर इसे पास में रखेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम दूर रखेंगे तो सारा टाइम हमें इसे ढूंढने में ही लग जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने सारे स्टील के जो स्पून हैं और किचन टूल्स हैं वो ना मैंने अपने इस तरह के कटलरी ड्रॉअर में रख दिया है। सो गाइस, आज की वीडियो बस ये थी ऑर्गेनाइज की। और मुझे कमेंट करें कि वीडियो में सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा। तो यहाँ से मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।